नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम धन में फंड ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हम सफलतापूर्वक अपने ऐप में लॉगिन हो गए हैं। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पे फंड को दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो आपको ऊपर की ओर बाएं साइड में प्रोफाइल फोटो दिखाई दे रही होगी, तो आपको उसमें क्लिक करना है। उसके बाद साइड्स पेज ओपन होगा, तो आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में हरे रंग से एक बटन दिखाई दे रहा होगा ऐड मनी का, तो आप उसमें क्लिक करके अपने फंड को ऐड कर सकते हैं। तो पहला विकल्प ये हो गया। उसके बाद दूसरे विकल्प के लिए आपको पेज को बैक करना होगा। फिर आप होम पेज पर आ जाएंगे तो आपको नीचे की ओर दाएं साइड में लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा मनी का विकल्प, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ ऐड मनी, और आपको लाल बॉक्स के अंदर जितना ही फंड ऐड करना है आप यहाँ पे अंकित कर देंगे। अगर आप सीधे अंकित नहीं करना चाहते हैं तो आपको नीचे राउंड फिगर में वैल्यूज दे रखी होंगी, जैसे देख सकते हैं 10,000, 25,000। तो आप सीधे जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो आपकी वैल्यू ऊपर लाल बॉक्स में अपने आप ऑटो फिल हो जाएगी, नहीं तो आप यहाँ पे मैनुअली भी यहाँ पे अंकित कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जितना ही फंड ऐड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद आपको दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा टॉप ऑफ फंड का बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना मोड ऑफ पेमेंट चुनना है। तो आपको यहाँ सबसे ऊपर UPI ID दिखाई दे रही होगी, तो आपको उसी UPI ID से करना है जो आपने बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक कर रखा है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरा विकल्प ICICI बैंक का। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा नेट बैंकिंग के माध्यम और EFT और RTGS का, तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग के माध्यम से करने वाले हैं, तो हम उसी से करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दाएं साइड में नेट बैंकिंग के नीचे आपको मोर का विकल्प, तो आपको उसमें क्लिक करना है। देख सकते हैं जो आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है यहाँ पे धन में, आपको वो यहाँ पे दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो पहले से ऑटो सेलेक्ट होगा। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ऐड मनी टू अकाउंट, तो आपको सीधे उस बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे नेट बैंकिंग वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के अपना पेमेंट कर देना है। चलिए कर देते हैं। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है। तो आपको पेज को बैक नहीं करना है, ये आपको अपने आप दूसरे पेज पे ले जाएगा। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर दिखाई देगा लिखा हुआ कि जो हमारी पेमेंट है सफलतापूर्वक यहाँ पे हो गई, तो आपको ऊपर दिखाई देगा कि हमारे 200 रुपये हैं सफलतापूर्वक ऐड हो गए। और आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन की यहाँ पे जानकारी दिखाई देगी नीचे, तो आप वो भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे दिखाई दे रहा है गो टू होम वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप ऊपर की ओर देखेंगे कि आपका जो फंड है सफलतापूर्वक ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर दिया गया है, तो आप इससे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो अगर आपका डीमैट खाता धन के साथ है तो आप भी इस सेम प्रक्रिया से अपने धन अकाउंट में फंड को ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो में बताया। तो आपको भी इस सेम प्रक्रिया का पालन करना है। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।